जब सियासत का कद बढ़ता है तो सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं देखता है। जी हाँ, एक बार फिर से सियासत की गई है और वो भी देश की सबसे बड़ी अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। SC ST एक्ट में बदलाव के आदेश के बाद सबसे बड़ी बात ये रही कि विपक्ष के साथ साथ एक समय के बाद सरकार भी दलितों के पक्ष में आ खड़ी हुई, लेकिन दलित समुदाय ने भारत बंद तो बुलाया ही, साथ ही कानून व्यवस्था की जमकर धज्जियां उड़ाई। तो इस रिपोर्ट में देखिए और जानिए कि सुप्रीम कोर्ट के जिस फैसले से ये पूरा कोहराम मचा है, उस फैसले में है क्या कुछ। SC ST एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट जरा सा सख्त क्या हुआ कि कोहराम मच गया, देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया और आज भारत बंद है। कई जगह ट्रेनें रोक दी गई, कई जगह जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया गया। विपक्ष का साथ भी मिला है और सरकार भी साथ खड़ी है। अब आप सोचेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या किया कि हमेशा आमने सामने रहने वाले सरकार और विपक्ष एक साथ आ गए। तो हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 20 मार्च को महाराष्ट्र के एक मामले को लेकर SC ST एक्ट में नई गाइडलाइन जारी की। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के दुरुपयोग पर बंदिश लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसला सुनाया। इसमें कहा गया कि SC ST एक्ट के तहत FIR दर्ज होने के बाद आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी नहीं होगी। इसके पहले आरोपी की DSP स्तर का अधिकारी जांच करेगा, यदि आरोप सही पाए जाते हैं तभी आगे की कार्रवाई की जाएगी। देश भर में ऐसे कई मामले सामने आए जिसमें इस अधिनियम के दुरुपयोग किया गया। यदि कोई सरकारी कर्मचारी अधिनियम का दुरुपयोग करता है तो उसकी गिरफ्तारी के लिए विभागीय अधिकारी की अनुमति जरूर होगी। यदि कोई अधिकारी इस गाइडलाइन का उल्लंघन करता है तो उसे विभागीय कार्रवाई के साथ कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई का भी सामना करना होगा। आम आदमियों के लिए गिरफ्तारी जिले के SSP की लिखित अनुमति के बाद ही होगी। देश की सभी निचली अदालतों के मजिस्ट्रेट को भी गाइडलाइन अपनाने को कहा गया। इसमें SC ST एक्ट के तहत आरोपी की अग्रिम जमानत पर मजिस्ट्रेट विचार करेंगे और अपने विवेक से जमानत मंजूर और नामंजूर करेंगे। अब इन गाइडलाइंस के खिलाफ दलित लामबंद हो गए हैं। दलितों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद दलितों का उत्पीड़न बढ़ेगा, जिसके बाद तमाम राजनीतिक दल भी उनके समर्थन में आ गए। अब सवाल ये उठता है, क्या देश की सर्वोच्च अदालत ने बिना सोचे समझे इतना बड़ा फैसला लिया? क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इतनी राजनीति किया जाना ठीक है? क्योंकि जब देश की सभी राजनीतिक पार्टियां दलितों के पक्ष में हैं और सरकार भी रिव्यू पिटीशन डालने को तैयार है तो फिर इतना विरोध क्यों? क्या ये सिर्फ सियासत के लिए? ऐसे ही ना जाने कितने सवाल हैं जो अभी उठे हैं। जवाब मिलेगा या फिर नहीं, ये भविष्य के गर्भ में छिपा है। स्पेशल डेस्क, खबरें अभी तक। तो पूरे ही देश में बंद बुलाया गया था, देश बंद ये बुलाया गया था, बाजार बंद करवाए गए, कहीं जबरन भी बाजार बंद करवाए गए, साथ ही हिंसा देखी गई और पूरा उग्र रूप इस बंद का देखा गया। साथ ही हरियाणा में क्या कुछ हुआ वो देख लीजिए। हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़, मारपीट, हरियाणा आज फिर जला है। दलितों के आंदोलन ने हिंसा का रूप ले लिया और दलितों ने कानून हाथ में ले लिया। हरियाणा के शहर फरीदाबाद, अंबाला, करनाल, गुरुग्राम, रोहतक, पंचकूला, यमुनानगर, हिसार, चंडीगढ़, हर कहीं दलित सड़क पर खड़े थे। शांतिपूर्वक चलने वाला प्रदर्शन हिंसक होता जा रहा था और प्रदर्शनकारी पुलिस से टकराने को तैयार थे। विरोध हिंसक हुआ तो दलितों ने कानून की धज्जियां उड़ा दी और फरीदाबाद में पुलिस वालों पर हमला कर दिया। कई जगह पर पुलिस ने दलितों को खदेड़ने के लिए लाठी भी चलाई। एग्जैक्टली सुबह से काफी जाम लगा रखा था वहाँ मस्जिद चौक के ऊपर, तो हमारे वहाँ ज्यादातर मेजोरिटी SC वालों की है, अपने नेहरू कॉलोनी कल्याणपुरी, तो मस्जिद चौक अलावा उन्होंने 3 नंबर प्लेग ऊपर जाम लगा दिया था। हम जाम खुलवा के आ रहे थे तो एक गाड़ी फिर पीछे से हो रही दूसरी, उसमें एक लड़का जो तलवार लहरा था वह चौक पे खड़ा हुआ लहरा रहा था तलवार, तो हमने उस तलवार वाले को पकड़ने की कोशिश की थी, जो काबू करे जैसे निकल रहे थे तो भीड़ ने फिर हमारे ऊपर हमला किया है पुलिस मुलाजिमों के ऊपर, जिसमें चोटें आई। तलवार तो बंद भी तो छुड़ा लिया वो बंदा। और आपके अलावा कितने साथी एक बार चौकी के SI विजय कुमार को आइए बाकी के बारे में। सुप्रीम कोर्ट
के आदेश से गुस्साए दलित संगठनों ने कानून को चुनौती दी है। आज की तस्वीर एकमात्र नमूना है। अगर सुप्रीम कोर्ट SC ST एक्ट में बदलाव नहीं करेगा तो कल की तस्वीर और भयानक होगी। देश के अमन चैन को आग लगाकर दलितों ने कानून पर सवाल उठाए और संवैधानिक व्यवस्था का मजाक बना दिया और पूरे हरियाणा में हर कहीं खौफ की स्थिति पैदा कर दी। आसाराम हो या राम रहीम, पद्मावत हो या दलित, हर किसी ने हरियाणा के माथे पर हिंसा का काला कलंक लगाया है। प्रदर्शन कर रहे लोगों के हाथों में तलवारें थी, ट्रेनों को रोका जा रहा था, सड़कों पर जाम लगा दिया गया था। जब तक पुलिस इन्हें संभालती तब तक हरियाणा में दलित उग्र हो चुके थे। कई जगह दलितों के साथ विपक्ष भी सड़कों पर उतर गया और सरकार को दलित विरोधी बताने लगे। हालांकि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में SC ST एक्ट मामले में पुनर्विचार याचिका दायर की है, लेकिन दलितों को उस पर एतबार नहीं है। कानून को चुनौती देकर खुद ही दलित कानून बनाने के लिए उतरे हैं। कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने SC ST एक्ट के दुरुपयोग पर चिंता जताई थी और इसके तहत मामलों में तुरंत गिरफ्तारी की जगह शुरुआती जांच की बात कही थी। अपने एक आदेश में जस्टिस AK गोयल और UU ललित की खंडपीठ ने कहा था कि 7 दिनों के भीतर शुरुआती जांच जरूर पूरी हो जानी चाहिए। इसी के विरोध में सोमवार को दलित संगठनों ने भारत बंद बुलाया था और इसी बंद देश के अलग अलग जगहों से हिंसा और विरोध की खबरें आती रही। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। तो हिंसा जरूर हुई है, साथ ही सिस्टम की ओर से दावे भी जरूर किए गए थे कि पूरी तैयारियां की गई हैं, चाक चौबंद रखी पुलिस, लेकिन जिस तरह की खबरें निकलकर सामने आई, बसें जला दी गई, ट्रेन रुकवाई गई, हिंसा की गई, पुलिस पर भी पथराव किया गया, ये कितना सही रहा, तरीका कितना जायज है, उस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले ये सुनिए कि विपक्ष ने क्या कहा इस पूरे मामले पर। नहीं, रिव्यू पिटीशन का टाइम है, रिव्यू पिटीशन डालना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से हुआ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसके बारे में टिप्पणी करना हमारा ठीक नहीं, लेकिन सरकार को चाहिए कि रिव्यू पिटीशन डालें ताकि किसी भी तरह से ये जो उनके हित का जो है, अभी उनके जो सुरक्षा है, हित है, किसी प्रकार से कमजोर ना पड़े। हम भी जगह जगह, क्योंकि आज पूरा दलित वर्ग, आदिवासी, जिन लोगों को संविधान के माध्यम से अधिकार मिले थे, बाबा साहब अम्बेडकर जी जिनकी लड़ाई लड़ी थी कांग्रेस ने, जिसको आगे बढ़ाने का काम किया था, आज फिर संघ परिवार और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर एक बहुत बड़ा षड्यंत्र इनके खिलाफ है। इसमें ये जो हमारे जो दलित वर्ग के लोग हैं, आदिवासी समाज के जो लोग हैं, तो ये कानून में विश्वास रखते हैं और ये कभी उग्र नहीं होते, ना हिंसा करते हैं, लेकिन इनके इस प्रयास को निष्प्रभावी बनाने के लिए, जो ये लोग आंदोलन कर रहे थे, इनको बदनाम करने के लिए, तो जो जातिवादी जो लोग हैं, जो असामाजिक जो तत्व हैं, जो जातिवादी हीन भावना जो रखने वाले लोग हैं इन वर्गों के प्रति, उन्होंने असामाजिक तत्वों को ऐसा लगता है कि उनके बीच में भेजा है और ये सत्संग घटनाएँ उन्होंने कराई हैं और इसमें कुछ लोगों की मृत्यु भी हो गई है और कुछ और भी नुकसान हुआ है। इसके लिए मैं समझती हूँ कि सरकार जिम्मेवार है और ये जो आंदोलन जो लोग करें इसके लिए जिम्मेवार नहीं है, सरकार को उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। तो मायावती को आपने सुना, जिनका साफ कहना है कि दलित जो लोग हैं उनकी ओर से हिंसा नहीं की गई है, असामाजिक तत्व घुसे हैं और साथ ही बीजेपी की मंशा पर, भारत सरकार की मंशा पर लगातार विपक्ष की ओर से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। चर्चा करेंगे एक खास पैनल के साथ, हरियाणा बीजेपी से प्रवक्ता हमारे साथ हैं नीलम चौधरी। चूंकि हरियाणा में जो हालात रहे, बंद का जो असर रहा, उसको लेकर हम चर्चा कर रही है। कांग्रेस प्रवक्ता रंजिता मेहता हमारे साथ हैं, NLOC प्रवक्ता प्रवीण अत्री साहब हमारे साथ हैं, साथ ही दलित नेता जो कि अपने समुदाय का पक्ष रखेंगे इस पूरी चर्चा में, विपिन बाबू हमारे साथ हैं और वरिष्ठ अधिवक्ता आपसे कानून समझेंगे इस मामले का, गुरिंद्र पाल सिंह जी हैं इस पैनल पर। स्वागत है सभी का इस चर्चा में। विपिन जी, शुरुआत आपसे करेंगे, क्या वाकई ये बंद था सिर्फ कि भारत बंद किया गया? बिल्कुल, ये समाज की ओर से, बहुजन समाज की ओर से एक पूरे तरीके से राष्ट्रव्यापी बंद था। बहुत ही शांतपूर्ण तरीके से बंद का आयोजन किया गया और इस बंद में, जैसा कि अभी आपके चैनल ने ही दिखाया गया कि कुछ तलवारें लहराते हुए लोग आए, ऐसा बंद के समर्थक किसी भी साथी की ओर से ऐसा नहीं किया गया है। आपकी ओर से एक पक्ष का तो दिखाया जा रहा है,
पुलिस की ओर से आपका बाइट दिया जा रहा है, लेकिन दूसरे पक्ष प्रदर्शनकारियों की तरफ से आपने कोई भी नहीं दिखाया कि उनमें से कौन है जो इस बंद में ऐसे हिंसक कार्रवाई कर रहा है। आप बताइए ना उनका पक्ष, आप बता दीजिए। हाँ, उनका पक्ष है कि वो अपनी बात रखना चाह रहे थे, उनकी बात कोई सुने तो सही, लेकिन किसी ने भी उनकी बात को सुना ही नहीं। चंडीगढ़ का जो केस है उसमें सभी प्रदर्शनकारी अपना बात रख रहे थे, हल्लो माजरा चौक पे सभी प्रदर्शनकारी डटे हुए थे, लेकिन उसी समय पुलिस की ओर से आके और वहां पे लाठीचार्ज किया गया, कई साथियों को घायल किया गया, उन्हें जबरदस्ती उठाकर जेल में डाला गया, लेकिन उसमें किसी ने भी, किसी भी अधिकारी ने, किसी भी आपके जिम्मेदार नेता ने या किसी भी अधिकारी ने वहां पे आके उनके पक्ष को बिल्कुल भी नहीं सुना गया। क्या पक्ष सुनाने का, क्या बात कहने का ये तरीका सही था? क्या विरोध करने का ये तरीका जायज था आपको लगता है? नहीं, विरोध करने का और आपने तरीका सरकार ने छोड़ा ही कौन सा है? क्या संवैधानिक तौर पे कहीं पे अपनी आवाज नहीं उठाई जा सकती? सुप्रीम कोर्ट, जिसको कि आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने सही न्याय दिया है, अगर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हाँ जी इस एक्ट का, SC ST एट्रोसिटी एक्ट 1989 का कुछ मिसयूज हो रहा है, चलिए कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, बहुत शुरुआत में करेंगे, माफी के साथ रोकूंगी। सरकार आपके साथ खड़ी है, रिव्यू पिटीशन लगाई गई है, हालांकि उस पर तत्काल सुनवाई नहीं की जाएगी, ये बात कही गई, यानी सरकार आपके साथ खड़ी है, विपक्ष आपका साथ दे रहा है, बाकी जो जनता बची है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हालांकि कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन ना ही उसकी तारीफ की गई है, ना ही ये कहा गया है कि आप लोगों की मांगे गलत है। मेरा सवाल सिर्फ इतना कि तरीका कितना सही है? रिव्यू पिटीशन आज जब बंद का आयोजन किया गया, बंद पूरे समाज की ओर से बुलाया गया, उस दिन आप कह रहे हैं कि रिव्यू पिटीशन की जा रही है, 18 तारीख से लेकर आज 2 तारीख तक बाकी लोगों ने क्या किया, सरकार ने क्या किया इसके पक्ष में कि जिन लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, गुजरात में एक भाई को सिर्फ घोड़ी खरीदने के ऊपर, उसके ऊपर बैठने के ऊपर, किसी की अस्मिता को ठेस लग रही है, उसको जिंदा मार दिया जाता है। तो कल शाम को कहा गया था कि सोमवार को पुनर्विचार याचिका डाल दी जाएगी, सोमवार को आप लोगों को बंद भी करना था सोमवार को, क्या ये फैसला वापस नहीं लिया जा सकता था? अगर फैसला वापस नहीं लिया जा सकता था तो क्या हिंसा करनी जरूरी थी? क्या उन्हें फैसला लेने में कि पुनर्विचार याचिका डाली जाएगी उसमें उनको 14 दिन लग जाते हैं, तो क्या हम 2 घंटे के अंदर अपने विचार को वापस ले लें? हमारी आवाज आप कब सुनेंगे, किस तरीके से सुनेंगे? अत्रे साहब, आवाज सुनाने का ये तरीका था, हालांकि विपक्ष ने साथ दिया है पूरा बंद में। देखिए ज्योति, किसी भी तरह के हिंसक आंदोलन का साथ तो हमने कभी नहीं दिया और ना ही हम कहते कि किसी तरह का हिंसक आंदोलन होना चाहिए, लेकिन अपनी बात कानून के दायरे में संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए अपनी बात रखने में किसी तरह से कोई गुरेज नहीं है, ये हमारा संविधान भी हमें अधिकार देता है। अब यहाँ पे एक समझने वाली चीज है, जिस बात का जिक्र आप बार बार कर रहे थे कि रिव्यू पिटीशन की बात कही गई, देखिए 20 मार्च को सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है, 20 मार्च से लेके 1 अप्रैल तक सरकार की तरफ से किसी भी तरह की कोई बात नहीं कही जाती, ये सरकार के फेल्योर का एक कारण, मैं तो इसको फेल्योर ही कहूंगा, क्योंकि आप देखिए 20 मार्च से लेके 1 अप्रैल तक सरकार चुप्पी साधे रही, सरकार की तरफ से किसी मंत्री का, मैं केंद्र सरकार की बात कर रहा हूं, किसी मंत्री तक का कोई इस तरह का बयान या कोई इस तरह का विचार मीडिया में नहीं आया कि सरकार इसके बारे में संजीदा है, रिव्यू पिटीशन की बात सोच रही है, ऐसा कोई बात नहीं कही गई। 1 अप्रैल को सरकार की तरफ से कानून मंत्री आगे कह रहे हैं हम रिव्यू पिटीशन डाल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं सरकार की संजीदगी ना होने का परिणाम है। सरकार को चाहिए था 20 तारीख को अगर इस तरह का निर्णय आया तो सरकार को बोलना चाहिए था कि वो रिव्यू पिटीशन में जाना चाहते हैं, रिव्यू पिटीशन डालेंगे, जिससे कि समाज को थोड़ा संतुष्टि मिलती है। एक चीज और बड़ी महत्वपूर्ण है, इस बात को समझना पड़ेगा, ये कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं था, ये एक सामाजिक आंदोलन था। सामाजिक आंदोलन हुआ, लेकिन जिस तरह की घटनाएं अब आप दिखा रहे हैं, इन सब घटनाएं हुई हैं, ऐसी घटनाओं की तारीफ तो देखिए कोई भी नहीं कर सकता, हर किसी को इस तरह की घटनाओं को तो कंडेम करना चाहिए, क्योंकि हिंसक आंदोलन होना अच्छी बात नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से कुछ ऐसे कदम अगर आप उन पर ध्यान देंगे तो लगेगा कि संजीदगी का अभाव बहुत बड़े पैमाने पर रहा हुआ है। देखिए 1989 में ये कानून बना, जिस कानून के ऊपर 20 मार्च को एक फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में तो आप भी जानते हैं कि कोई भी कोई टिप्पणी नहीं करेगा, लेकिन सरकार का ये कर्तव्य बनता था कि समाज के अधिकार जो हैं वो कम ना हो या समाज के अधिकारों पे चोट ना आए, उसके लिए सरकार अपनी तरफ से तत्परता दिखाए, लेकिन उस तत्परता का अभाव हमें देखने को मिला। नीलम जी, किस बात का इंतजार किया गया सरकार की ओर से? जी देखिए, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट की ये गाइडलाइंस ये जारी की गई थी, उसी दिन हमारे जो SC कमीशन के पूर्व अध्यक्ष हैं डॉक्टर
विजय सोनकर जी जो पार्टी प्रवक्ता भी हैं, उन्होंने उसी टाइम पार्टी का पक्ष क्लियर कर दिया था कि इस पर पुनर्विचार किए जाने की जरूरत है, आपको भी याद होगा। तो पार्टी का जो है हमेशा एससी एसटी के लिए हमेशा डेडिकेशन है, डिवोशन है, उनके भले के लिए जितने भी कार्य किए जाते हैं वो किए जाते हैं। और इसलिए जैसे आपने खुद मेंशन भी किया कि आज पिटीशन भी फाइल कर दी गई है। तो जो जो हमारी मोदी सरकार है और 2015 में जो अमेंडमेंट बिल लाया गया था उसमें उसमें जो प्रोविजन किए गए थे वो एससी एसटी एक्ट को और ज्यादा मजबूत करने के लिए किए गए थे, जिसमें एक था कि अगर कोई ऑफिसर भी अगर किसी की सुनवाई नहीं करता है तो उस ऑफिसर के अगेंस्ट भी एससी एसटी एक्ट लगता है। देखिए रिव्यू पिटीशन डालनी है, इस बात की जानकारी 1 अप्रैल को दी जाती है, 2 अप्रैल को भारत बंद बुलाया गया था, आह्वान किया जा चुका था, घोषणा की गई थी, सरकार को बार बार बताया गया था, विपक्ष भी लगातार आप लोगों को आगाह कर रहा था कि इस बात पर सोचिए एक बार के लिए, दलित विरोधी होने के आप लोगों पर आरोप लग रहे थे, तो 1 अप्रैल को ही घोषणा क्यों की जाती है, ये सवाल था अपने आप जी। मैंने आपको यही कहा ना, इस पर पुनर्विचार की जरूरत है, पार्टी का पक्ष पहले से ही क्लियर था और इसीलिए आज उसकी जो है पिटीशन भी फाइल की गई है। और मैंने आपको कहा ना कि जैसे कि हमारी मोदी सरकार ने ही इस अमेंडमेंट को और सख्त उठाने के बनाने के हमेशा कदम किए हैं, इवन जो केसेस का जो 60 डेज में डिसीजन भी होना चाहिए, और एक और जो अमेंडमेंट जो किया गया था कि जो विटनेस हैं या विक्टिम्स हैं इन केसेस के अगेंस्ट, उनके अगेंस्ट जो अगर उसको आप जोड़ के देखें तो उसमें जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है उसको 80,000 से 8 लाख तक कर दिया गया है। इवन अगर किसी भी विक्टिम में या विटनेस को किसी भी तरह का डराया जाता है, धमकाया जाता है, उसके लिए प्रोटेक्शन है उनके डिपेंडेंट्स के लिए, तो हमने इस एक्ट को हमेशा मजबूत से मजबूत बनाने की कोशिश की है। जब ये पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में डला, एससी एसटी एक्ट 1989 के खिलाफ जब पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में डला, कोर्ट की तरफ से 2 नोटिस हुए सरकार को, लेकिन सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल जो है कोर्ट में पेश नहीं हुए। तीसरे नोटिस पे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल पेश होते हैं, तो यहाँ से पता लगता है कि सरकार संजीदा नहीं थी। इस बात का जवाब लेंगे नीलम जी, जवाब रखिएगा इस बात का। रंजीता जी, आप लोगों ने भी समर्थन किया भारत बंद का, आज हिंसा हुई क्या उसका भी समर्थन करेगी कांग्रेस? देखिए हिंसा का समर्थन ना कभी कांग्रेस ने किया है ना ही कभी करेगी। जहां तक इस एक्ट की बात है, स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने 1989 में इस एक्ट को लाया था एससी एसटी की सुरक्षा के लिए, उनके हकों की सुरक्षा के लिए। आप ये देखिए कि जो भाजपा का रवैया है वो दलित विरोधी रवैया कैसे होता है कि जिस पद पर किसी इंसान को बिठाया गया है और उसको नुमाइंदगी के लिए उस दिन जाना बहुत ज़रूरी है, सरकार उस नुमाइंदे को उस दिन वहाँ पर नहीं भेजती, और उसके बाद हमारा पूरा जो शीर्ष मंत्रिमंडल है हमारा कांग्रेस का, चाहे वो राहुल गांधी जी हैं, चाहे वो कुमारी शैलजा जी हैं और तमाम सुरजेवाला जी, सब लोग मिलकर जो है वो राष्ट्रपति जी के पास जाते हैं कि इस तरीके से अधिकारों का हनन करने की कोशिश की जा रही है, काइंडली आप इंटरवीन कीजिए और प्रधानमंत्री जी से बात कीजिए। आज 12 दिन हो गए हैं मोदी साहब इस पर टोटली चुप्पे साधे हुए हैं, और इनके ऊपर जो इनका बयान आता है वो कल की डेट में बयान आता है कि हम सोचेंगे। 12 दिन हो चुके हैं, किसने आपके हाथ बांध रखे हैं, और आपका रवैया दिख रहा है कि आप बार बार देश को जलाना चाहते हैं, आप बार बार दंगे भड़काना चाहते हैं। अरे इतने कुछ हो चुका, कभी जाट आंदोलन, कभी राम रहीम का आंदोलन, कभी राम प्रसाद का आंदोलन, कभी कुछ, कितना आप भारत को जलाएंगे जाति और उसके नाम पर। आप बार बार ऐसे सिचुएशंस लेके आते हैं कि दंगे भड़के और उसके बाद आप विपक्ष को कहें कि विपक्ष ने किया है। आज आप देखेंगे मायावती जी का भी बयान आया, और जो मेरे भाई यहाँ बैठे वो भी बता रहे हैं कि हम शांतिपूर्ण ढंग से इसको करना चाह रहे थे, उसके बावजूद हमारे ऊपर लाठियां बरसाई जाती है, हमारे ऊपर डंडे बरसाए जाते हैं। शांतिपूर्ण ढंग से नहीं किया गया, आपने शुरुआत में ही कहा कि हिंसा का साथ समर्थन कांग्रेस नहीं, मैं यही हिंसा की गई, हिंसा की ज्योति में यही बता रही हूँ आपको। मैं इस चैनल से आने से पहले ही एक News24 चैनल है, उसपे पुष्टि की गई है कि जो एक जगह डेथ हुई है, गोली मारी गई है, वो बकायदा जो इंसान है वो राजपूत है, उसने गोली मारी है, पुष्टि की जा चुकी है। इसका मतलब ये है कि बीच में ऐसे लोगों को घुसाया गया ताकि एसटी और एससी को बदनाम किया जाए। मैं बिल्कुल इसके खिलाफ हूं, अगर कोई भी हिंसा भड़काता है चाहे वो खुद एससी है तो वो भी कसूरवार है और उसको भी सजा मिलनी चाहिए। कोई भी जो है हिंसा भड़काने के लिए, नौबत कैसे आई? नौबत भाजपा लाती है, बार बार लाती है। जांच का विषय हो सकता है कि गोली किसकी ओर से चलाई गई, लाठियां जो है किसकी ओर से बरसाई गई, डंडे किसकी ओर से बरसाए गए, लेकिन बुनियादी सवाल ये कि ये नौबत कैसे आती है? ज्योति भाजपा बार बार ये भाजपा बार बार नौबत ये लेकर आती है। आप बार बार लोगों को भड़काने के लिए मजबूर करते हैं ताकि वो आंदोलन हिंसक हो और जान मान का नुकसान हो, बसें जलाई जाए, बिल्डिंगें जलाई जाए, और जल कौन रहा है? आखिर में भारत जल रहा है और भारत की संपत्ति जल रही है, किसका नुकसान हो रहा है? हम लोगों का नुकसान हो रहा है। हरियाणा में भी इसी तरह की तस्वीरें देखी गई, ट्रेनें रोकी गई और हिंसा की गई जमकर। जी ज्योति, आंदोलन करना हर व्यक्ति का हक होता है, लेकिन किसी भी तरह की तोड़फोड़ करना
किसी भी तरह से उसको जायज ठहराया नहीं जा सकता, बेशक कांग्रेस उसको ठहराती रहे, लेकिन किसी भी तरह के आंदोलन को हिंसात्मक रूप देना, तो वो अपनी ही संपत्ति को नष्ट करना, वो किसी भी तरह से किसी भी एक सभ्य समाज की तस्वीर नहीं हो सकती है। और जैसे हमने कहा कि हम ऑलरेडी दलित समाज के लिए पूरा डेडिकेटेड है, उनके लिए डिवोटेड है, उनके साथ खड़े हैं, और ये इस चीज को हमेशा से कहा भी गया। और डॉक्टर अम्बेडकर स्थिति बिगड़ी है, सरकार कहां खड़ी है, मजबूत प्रावधान है, और जहां पे जैसे ही गाइडलाइंस की वजह से हल्का सा उसके कमजोर होने की कोशिश नजर आती है, तो इसके लिए सरकार साथ में खड़ी है, और इसीलिए पिटीशन उसमें फाइल की गई है। हम हमेशा इस एक्ट को और ज्यादा से ज्यादा मजबूत बनाना चाहते हैं। नहीं, आप लोग विपक्ष को क्रेडिट लेने का मौका क्यों देते हैं कि विपक्ष ने दबाव बनाया उसके बाद सरकार बैकफुट पर आई? नहीं नहीं नहीं, आप देखिए ना, इवन बीजेपी में ही सबसे ज्यादा दलित वर्ग से जो सांसद और जो लेजिस्लेटिव एमएलएस हैं वो सबसे ज्यादा हैं, और इनकी बात हमेशा सुनी जाती है। तो आप एक देखिए ना, सबसे ज्यादा जो प्रमोट कर रहा है, इनको हेल्प कर रहा है, एसोसिएट कर रहा है, वो तो हमारा बीजेपी ही है। इवन नहीं, और जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, क्या क्या नहीं किया, क्या मजबूती दे रहे हैं, तो आज सड़कों पर दिख गया है। आप ये पूछिए इसका जिम्मेदार कौन है, ये बता दीजिए। ज्योति, ये जिस तरह का ये सामाजिक आंदोलन, अगर हम इस तरह से तूतू मैं में चलें कांग्रेस की, अगर हम सुनाने लगे, तो वो एक सभ्य तरीका नहीं रहेगा। हम जिस पर्पस के लिए बैठे हैं वो ये है कि सरकार कहां खड़ी है, सरकार की जिम्मेदारी, सरकार दलित वर्ग के साथ खड़ी है, उनके जितने भी जो भले के लिए काम है, और जो आज के टाइम में जो एक्ट की बात है, तो वो हमेशा उनके साथ है। जैसे मैंने भी कहा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए जो एक इंटरनेशनल सेंटर बनाया गया, अभी पीछे 7 दिसंबर को अंबेडकर का नाम बदलकर भीमराव राम जी क्यों करा गया, तो उनका जवाब दें, तो इसका जवाब भी दें। नहीं, मैं इसको अलग तरीके से देखता हूँ। राजनीति, कानून, सुप्रीम कोर्ट, जनता, पार्लियामेंट, ये कोई अलग अलग चीजें नहीं है, ये एक ही चीज के सभी पहलू हैं। लोग नहीं है तो देश नहीं है, देश है तो पार्लियामेंट है, जुडिशरी है, सब कुछ है। अब देखने वाली बात यह है कि किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के खिलाफ बात कहने का अधिकार है कि नहीं, ये एक लीगल पहलू है। कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पर टिप्पणी कर सकता है, वो उसको मोटिव नहीं बैट्रीब्यूट कर सकता, वो ये नहीं कह सकता कि इस जज ने इस वजह से, इस कारण से, इस वजह से, और ये काम करके, वो टिप्पणी जो है ना, वो कंटेम्पचुअस होती है। अदरवाइज आपको अधिकार है कि आप कहें कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला गलत है या ठीक है, किसी देश के नागरिक को, और हम रोज ऐसी बात करते हैं। और इस बात को समझना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट खुद अपने फैसलों को रोज बदलती है। अभी जो राइट टू प्राइवेसी एक्ट था, इंटरेस्टिंग बात है कि जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने, जस्टिस वाई वी चंद्रचूड़, जो उनके फादर ने एक फैसला दिया था, उसको अपसेट कर दिया या उसमें एक नई चीज जोड़ दी। तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को हम होली कयू के तौर पे देखें तो ये नहीं है। जहां तक इस जजमेंट का सवाल है, मेरी एक पर्सनल ओपिनियन भी है एज एन एडवोकेट या एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, कि ये जजमेंट साउंड लीगल प्रिंसिपल पर बेस्ड नहीं है। इस जजमेंट में बहुत सी खामियां हैं। वो खामियों में एक खामी ये है कि इस जजमेंट को इस केस में दिए जाने का कोई सवाल ही नहीं था, जरूरत ही नहीं थी। कारण ये था कि जजमेंट के पैरा नंबर 6 में ये नोटिस किया गया है कि इस केस में एंटीसिपेटरी बेल दी जा चुकी थी उस अक्यूज को। जब एंटीसिपेटरी बेल दी जा चुकी थी, तो इशू था कि क्या इस केस को क्वेश कर देना चाहिए कि नहीं, जो केस सुप्रीम कोर्ट के सामने था। तो उस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट को कोई अपॉर्चुनिटी या कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। लेकिन हम लोग, चाहे वकील हों, चाहे जजेज हों, चाहे समाज में हों, हम एक कंडीशन से पैदा होते हैं, हमारे कुछ व्यूज बनते हैं, हम सोचते हैं कि ये होना चाहिए। तो वो उस व्यूज को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को अवसर बनाते हुए एक ऐसी उसमें लिखा और इतनी डिटेल में दिया कि इन केसेस में सुप्रीम कोर्ट पुलिस को इमीडिएटली गिरफ्तार नहीं करना चाहिए, और ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। और इसका जो कारण दिया है, वो कोई मुझे समझ नहीं आता कि एक अक्यूज्ड हमेशा एक पर्सन को हमेशा इनोसेंट माना जाता है। वो तो हर केस में, SC ST एक्ट में नहीं, हर केस में माना जाता है। एक मैं कन्विक्शन के बारे में बताऊं, 498 ए के केसेस में, जो डोबरी वाले संबंधित केसे हैं, उसमें हिंदुस्तान में कन्विक्शन रेट है 14.2%। हाँ। और ये SC ST केसेस में कन्विक्शन रेट है 15.4%। और नॉर्मल कन्विक्शन रेट है 46.9%। तो इसलिए कन्विक्शन रेट कम है, ये अपने आप में
ये नहीं कंक्लूड कर सकता कि केस झूठे हैं। उसका मतलब ये है कि या तो सिस्टम प्रेजुडिस्ट होता है, विमेन के खिलाफ केसेस हो, दलित के खिलाफ केसेस हो, सिस्टम एक प्रेजुडिस्ट से काम करता है। हम रोज देखते हैं ये सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस में सिस्टम प्रेजुडिस्ट से काम करता है। वो सिस्टम इस तरह का बना है, इस तरह का कंडीशन है जिसकी वजह से ये प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, प्रॉपर विटनेसेस नहीं आते, या क्योंकि सोशल रिलेटेड क्राइम है तो सोसाइटी का दबाव बन जाता है। समर्थन देती है सरकार के खिलाफ, बातें कहती है, बयान दिए जाते हैं, तो क्यों ना कहा जाए कि आंदोलन और बंद जो है राजनीतिक है। बात यह है, इंडियन नेशनल लोकदल ने बाकायदा समर्थन दिया, समाज को अपना समर्थन दिया, इंडियन नेशनल लोकदल समाज के साथ है, इसमें कतई कहीं किसी को कोई दोराय नहीं होनी चाहिए। इसलिए राजनीतिक आंदोलन नहीं कहा जा सकता क्योंकि यह सामाजिक आंदोलन है और समाज के बीच से पैदा हुआ आंदोलन था। महत्वपूर्ण चीज क्या है, बार बार एक बात कही जा रही है कि आंदोलन हिंसक हुआ। अगर आप इस चीज को ध्यान से देखेंगे कि 11 दिन 20 तारीख को डिसीजन आता है, उसके बाद समाज की तरफ से, समाज के नुमाइंदों की तरफ से ये बात कही जाती है कि हम बंद करेंगे 2 तारीख का। 11 दिन सरकार के पास थे, क्या सरकार इस बात को नहीं समझ पाई कि आंदोलन का रूप क्या होने वाला है, किस तरह का गुस्सा पनप रहा है समाज में? सरकार के पास अपने बहुत से रिसोर्सेज होते हैं, गुस्से को जस्टिफाई किया जा सकता नहीं, मैं बताता हूँ ना क्या हुआ है। अब किसी आंदोलन की धार को कुंद करने का एक ही जरिया होता है कि उसको हिंसक बना दो। आपने देखा इस सरकार ने जाट आरक्षण आंदोलन में क्या किया, आंदोलन को हिंसक सरकार ने बनाया जिससे कि आंदोलन का असर इफेक्ट कम हो जाए। तो मांगे सही हो सकती हैं और साथ ही बंद करने का या फिर आंदोलन करने का, प्रदर्शन करने का हक भी सबको मिला है, लेकिन इस तरह से कानून को हाथ में लिया जाना, हिंसा किया जाना और दंगे करना, ये कितना सही है, इसको लेकर चर्चा हम कर रहे हैं। और सवाल आपसे ही विपिन जी, जब बंद आप लोगों ने बुलाया है और हिंसा इसी बंद के दौरान होती है तो फिर जिम्मेदारी कौन लेगा इसके? भारत एक सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और इस लोकतंत्र में लोगों के जो अधिकार हैं, जो संविधान ने सभी को अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों को सीधे तरीके से खत्म किया जा रहा है। तो लोगों को जब कोई सरकार सुनना ही नहीं चाहती, उनको हर तरीके से 2 तारीख से पहले मेमोरेंडम सबमिट किए गए हैं, उन मेमोरेंडम्स पर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया गया, तो और इतने दिनों से तैयारी चल रही थी कि 2 तारीख को भारत बंद का आयोजन किया जाएगा और वो बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से आयोजन सुबह से किया जा रहा था, और उसके बीच में कुछ असामाजिक तत्वों ने आके कुछ गलत किया है। आप जो MP के घटना के जिक्र कर रहे हैं तो उसमें सामने से आके गोली मारी गई है, वो आपको साफ दिख रहा है कि किसने आके गोली मारी है। वो कोई भी हो सकता है, जात का विषय हो सकता है। नीले झंडे आप हाथ में उठाए, साथ ही डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बैनर्स हाथ में लिए और नारेबाजी करते हुए, सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पूरी हिंसा की गई है। फिर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई क्योंकि सरकार ने वहां पे गलत किया है, सरकार ने कोई भी करेक्टिव मेजर नहीं लिया गया, और साथ ही बाबा साहब ने ही हमें ये अधिकार दिया था समानता का। यदि आप इस भारतीय संविधान के, भारत के लोकतंत्र संविधान के बनने से पहले यदि आप देखें तो कितने अधिकार दिए गए थे अछूतों को, कितने अधिकार दिए गए थे, आप उसका जिक्र कीजिए। राय क्या है आपके? हेलो जी, कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, राय दीजिए। हेलो जी, बताइए क्या सोचते हैं, हिंसा कितनी जायज है और ये तरीका कितना ठीक है? ये ऐसे है मैडम, जायज बिल्कुल नहीं है। ये जैसे जो राजनीतिक पार्टियां हैं ऐसे दंगे करवाती हैं तो सबसे पहले तो इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए जी। ये देश की एकता और अखंडता का सवाल है, अगर हमारा भाईचारा ऐसे खराब हो जाएगा तो देश के लिए एक बहुत बर्बादी के कगार पर चला जाएगा। तो इसलिए ये तरीका एजिटेशन है, शांति प्रिय करो। प्राइवेट व्हीकल को तोड़ दिया, सरकारी व्हीकल को तोड़ दिया, हमारी जो सुरक्षा एजेंसी पुलिस फौज है उसके ऊपर पथराव कर दिया। तो ऐसे तो ये देश की एकता और अखंडता के साथ खिलवाड़ है, ये देशद्रोही कहा जा सकता है। जिस तरह से सोशल मीडिया पे लोगों ने कहा, कुछ भी बात हो जाए केवल देशद्रोह, आपको केवल एक ही शब्द आता है सरकार की ओर से, कोई भी अपनी बात रखता है तो वो देशद्रोह हो गया। सुनिए, मैं नाम के साथ आपको बताऊंगी, सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं, ये एक तबका है जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जब इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है तो बलदेव हमारे साथ है, जिनसे फोन लाइन पर जुड़े हैं। बलदेव क्या कहेंगे? जैसे जो आज का आंदोलन था ये हिंसक आंदोलन था, हिंसक आंदोलन था। हाँ, और जैसे जी मतलब हरियाणा के अंदर जो दलित नाम है नहीं, ये दलित और शरण, ये भी देश के टुकड़े करने के मतलब सिस्टम है जी। इतने जाति पाति सब नहीं हटेंगे, नहीं सब एक नहीं होंगे, इतने तो ऐसा ही चलता ही रहेगा राजनीतिक अपना फायदा उठाने के लिए।
लोग ऐसा ही करते रहेंगे। चले बहुत शुक्रिया आपका। एक मिनट, अब जो दलित है निजी जो कमजोर है उसको किसी चीज का लाभ नहीं मिलता। जो दलितों में मतलब जो मतलब संभला हुआ है अच्छा मतलब जानदार है जिसके पास तेजस्वी नौकरियों पर है वो ही लाभ लेते हैं इसका, मतलब आम आदमी को किसी को लाभ नहीं है ये तो मतलब। चलिए बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुनील है हमारे साथ भिवानी से, बड़ी बात में जुड़े हैं। सुनील बहुत स्वागत है आपका। देखिए सबसे पहले तो आपको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप इस मुद्दे पर बड़ी राय ले रहे हो। और देखिए मैडम मेरा कहना ये है कि कोई भी व्यक्ति कोई भी व्यक्ति संविधान से ऊपर अपने आप को समझने लग जाएगा तो देश का लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा जी। और इसके साथ में मैं बता दूं कि जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपने फायदे के लिए दलितों को लुभावने वादे देती हैं और अपना सिट्टा सेकती हैं और दलित उसमें पिसते रहते हैं और उनके अधिकार छीने जा रहे हैं, रोजगार उनके पास नहीं है। चलिए शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। विपिन सुना आपने, सभी को सुना, कोई भी जिस तरह से आप लोगों ने जिस तरीके से ये बंद बुलाया है उसका कोई भी समर्थक नहीं साथ नहीं खड़ा। आप बात एक पक्ष की सुन रहे हैं, आप बात एक पक्ष की सुन रहे हैं। जो गुजरात में एक भाई को घोड़ी पर चंडे की वजह से मार दिया गया, उसको हत्या कर दी गई, वो किस तरीके से जायज था उसके लिए आपने किसी ने नहीं कुछ सोचा। उससे पहले बहुत सारे अत्याचार होते हैं उनमें कहीं दूसरे पक्ष की बात सुनी ही नहीं जाती है। लोग बस थाने के कचहरी के चक्कर लगाते रहते हैं वहां के। भारत एक सबसे बड़ा लोकतंत्र है, संविधान ने हमें ये सुरक्षा दी, समानता का अधिकार दिया, और उस संविधान के लागू होने से पहले किसने समानता की बात कही? ना आपकी लोगों के मन में विचारों में पहले समानता थी और ना वो आज समानता देना चाह रहे हैं। जब बात हक अधिकार की आ जाती है, किसी के साथ कुछ अत्याचार हो रहा है यदि वो अपनी बात रखना चाह रहा है तो आपने वो चीज खत्म ही कर दी। वो चीज आपने खत्म कर दी पूरे तरीके से। किया ही नहीं जा सकता, लेकिन नहीं जस्टिफाई तो कोई बात की ही नहीं जा रही। एक लोकतांत्रिक देश में क्या हम अपनी बात नहीं रख सकते? अपनी बात हम क्यों नहीं रख सकते? नहीं तरीका तो कोई और आगे उसे गलत कर रहा है। की जा रखी है इस मामले पर राजनीति वोट बैंक की। सामाजिक आंदोलन को राजनीतिक रूप क्यों दिया जा रहा है? आंदोलन सामाजिक पैनल के ऊपर सब लोग इसको क्लियर कर चुके हैं कि ये सामाजिक आंदोलन था और जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो समाज का ही हिस्सा हैं। अगर समाज में किसी एक वर्ग के साथ कुछ भी कुठाराघात किया जाता है, उनके हकों को छीना जाता है, तो हमेशा कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी होगी और हमेशा वो चाहेगी कि शांतिपूर्वक आंदोलन हो। आप ये देखिए कि बाबा भीमराव अंबेडकर की कुछ लाइनें मुझे याद आ रही हैं कि वो कहते थे कि अगर मैं मर भी जाऊं तो ये मत समझना कि मैं मर गया, क्योंकि अगर संविधान जिंदा है तो मैं जिंदा रहूंगा। कहीं संविधान को मरने मत देना। आज कहीं ना कहीं संविधान जो है खतरे में आ रहा है। बार बार ऐसी चीजें की जा रही हैं। जब भी एक्ट बनाया गया था, जितने साल हो गए आपके सामने जो यहाँ पे लॉयर हैं उन्होंने क्लियर किया है कि कितनी परसेंटेज है, वो बाकी जो जितने भी वो होते हैं उससे कम है। उसके बावजूद क्या कारण है? सिर्फ एक केस की वजह से आपको ये मजबूरन फैसला लेना पड़ता है। और अगर भाजपा सरकार वाकई ही दलितों के हित में है तो सबसे बड़े संसद के अंदर विधेयक लाए, सारी विपक्षी पार्टियां आपका साथ देंगी, आप उस विधेयक को पास कीजिए वहां पे। ना आप रिव्यू पिटीशन लगा रहे हैं, ना आप विधेयक लेके आ रहे हैं। इससे आप इससे साफ नजर आ रहा है। आप लोग भी सरकार में रखे थे, आप लोग भी रहे थे सरकार में, तब भी आंकड़ा कोई बहुत बड़ा नहीं था, इतना बड़ा डिफरेंस नहीं था। ये फिर विपक्ष में आकर भाषा बदलती है। ज्योति जी जो ये हमें कह रहे हैं उनको हकों का जो ये संविधान में ये संशोधन किया गया था, ये एक्ट लाया गया था, वो स्वर्गीय राजीव गांधी जी लाए थे। हम तो सब सूरज कहते हैं कि हम दलितों के पक्ष में है और दलितों के हित के लिए हमें कुछ भी करना पड़ेगा हम करेंगे। अगर नहीं करना चाहते तो ये आपके लिए एक्ट ना बनाते जनाब। अगर करना नहीं चाहते तो आपके लिए आप मान लीजिए कि कांग्रेस हितैषी है आप लोगों की। कैसे मान लें? रंजिता जी ने जो कहा कि कांग्रेस हितैषी है, हम यदि, लोगों ने जितने यदि हितैषी है तो जो एक्ट बनाया गया उससे पहले संविधान में जो समानता के अधिकार दिए गए वो क्यों नहीं लागू हुए? आज कभी लागू क्यों नहीं पूरे तरीके से किए गए? और जो लागू नहीं किए और आज तो जो थोड़े बहुत लागू हुए भी थे अब उनको पूरे तरीके से खत्म किया जा रहा है। राय क्या है आपकी शर्मा जी? आप हैं फोन लाइन पर? चलिए बड़ी बात देखते रहिए, एक बार फिर से जुड़िएगा और अपनी राय दीजिएगा। एक और दर्शक हमारे साथ जीन से फोन लाइन पर जुड़े हैं, अपना नाम बताएंगे और राय देंगे।
सुबे सिंह स्वागत है आपका, और राय दीजिए कितना सही ये तरीका है, और जो आज पूरे दिन आपने जिस तरह की तस्वीरें देखी वो कितनी जायज। ये सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला गलत नहीं था, ये राजनीतिक पार्टी बढ़कर अंदर और इनकी घमासान मच रहा है, ये सरासर गलत है जी। हाँ जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अत्रे साहब, आपने सभी दर्शकों को सुना, जिस तरह से राजनीतिक पार्टियों को ही निशाने पर लिया जा रहा है कि फैसला सही है, ये तरीका भी गलत है, और साथ ही जो राजनीतिक पार्टियों का स्टैंड है वो गलत है। देखिए, फैसला सही है या गलत है ये अधिकार हमें नहीं है टिप्पणी, ये दर्शकों की राय, मैंने दर्शकों का हवाला दिया। दर्शक स्वतंत्र है, अगर कोई भी अपने विचार रखता है तो विचार रखने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन महत्वपूर्ण चीज यहाँ पे क्या है, अगर कोई सत्तारूढ़ दल किसी हिडन एजेंडे पे काम करना शुरू कर दे, संविधान के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दे, स्वाभाविक ऐसी परिस्थितियां देश और प्रदेश में पैदा होंगी। लेकिन एक और बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, इस बात का जिक्र करना कि मैं बहुत बड़ा दलित हितैषी हूं या फलां बहुत बड़ा दलित हितैषी है, ये चीज़ें आपके एक्ट दर्शाती, आपके काम बताते हैं कि आपने जब भी आपको मौका मिला तो आपने दलितों के लिए क्या किया। अगर मैं ये जिक्र करना शुरू कर दूं कि देखिए, दलितों के लिए पहली बार चौपाल हरियाणा में है, इंडियन नेशनल लोकदल ने बनवाए थे, चौधरी देवीलाल ने बनवाए थे, सामाजिक उनको समानता मिले ये कोशिश चौधरी देवीलाल ने की थी, वो पूरा प्रदेश जानता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। फिर मैं मिर्चपुर कांड का जिक्र करूंगा, मैं गोहाना कांड का जिक्र करूंगा, तो चर्चा कहीं ना कहीं डिरेल हो जाएगी। मैं डिरेल नहीं करना चाहता, मैं केवल एक बात कह रहा हूं कि जब भी इस तरह का आंदोलन होता है और वो हिंसक हो जाता है, हिंसक होने का कारण केवल एक रहता है कि उसका इफेक्ट कम हो जाए, उसका प्रभाव कम हो जाए, और वो किसके फायदे में जाएगा, सत्तारूढ़ दल के फायदे में जाएगा। तो ये कोशिशें रहती हैं किसी भी आंदोलन के साथ, लेकिन हिंसक आंदोलन का कोई भी समर्थन नहीं कर सकता और ना ही हिंसक आंदोलन होना चाहिए। निश्चित रूप से सरकार का, देखिए सरकार के पास 11 दिन थे, सरकार के पास बहुत बड़ा तंत्र होता है हर चीज को जानने का, सरकार चाहती तो इस तरह की नौबत ही ना आने देती। और जो बात आज आपने रिव्यू पिटीशन की कही है, आप अगर 22 तारीख को कहते हैं कि हम रिव्यू पिटीशन में जाएंगे और हम इसके पूरे पुरजोर ढंग से पक्ष रखेंगे, तो हो सकता है ये हालात पैदा ना होते, तो कहीं ना कहीं सरकार ने अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझा। बिंदु है हिसार से फोन लाइन पर जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आपका। ज्योति सांगवान जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने इस मुद्दे को उठाया, लेकिन आंदोलन के नाम पर ये तोड़फोड़ करना बहुत गलत है मैम जी। लेकिन ये सरकारों की कमी है जो एक आमजन को इस आंदोलन में पिसा रही है, बाकी कमी किसी की नहीं है, क्योंकि आंदोलन के बगैर किसी की बात ही नहीं सुनी जाती। आंदोलन करते हैं वहां लाठीचार्ज, आंसू गोले, फवारे छोड़ दिए जाते हैं, अगर बातें टाइम से सुन ली जाती तो ऐसी नौबत ही नहीं आती। भाजपा सरकार आने के बाद ही हरियाणा की इतनी बुरी हालत हुई है जो शायद किसी ने सपने में सोचा होगा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए इसी बात का जवाब लेंगे, नीलम जी इस बात का जवाब दीजिए, जिस तरह से आरोप लगा कि बीजेपी सरकार जब से आई है, और अगर आप लोग टाइम रहते एक्शन लेते, फैसला समय रहते लेते, तो ये नौबत ना आती कम से कम। ज्योति, अभी कुछ देर पहले एक दर्शक ने पूछा भी था कि जो SC ST हैं उनको किस तरह के लाभ दिए जा रहे हैं, अभी अत्रे जी ने भी इस बात की शुरुआत की थी। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, कभी भी हम अपने समाज के हिस्से को अगर बढ़ाना चाहते हैं तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, कुछ आपने किया, कुछ हमने किया, अब हम उसको और ज़्यादा मजबूती से करें, ये हमारा दायित्व है। और मैं सिर्फ दो चीज़ें उसमें ऐड करना चाहती हूँ, एक तो ये कि आज के वक्त SC ST को 50 लाख से 15 करोड़ तक का जो लोन दिया जाता है, अभी जो दर्शक की बात है उसको पूरा करना ज़रूरी है, उसमें 80% जो है वो सरकार की तरफ से दिया जाता है। और इसी तरह से हायर टेक्निकल एजुकेशन के लिए जो दलितों को समझा दीजिए, अगर ऐसा है तो दलित सड़कों पर नहीं आएंगे, समझा दीजिए, इस बात का जवाब दीजिए कि नौबत क्यों आती है, समय रहते डिसीजन क्यों नहीं लेते आप जी, बतौर सरकार क्या आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती कि पूरा सिस्टम ना बिगड़े, कानून व्यवस्था कायम रखे। ज्योति ये सवाल उठा था तो मुझे प्लीज मैंने भी सवाल पूछा आपसे, बताइए वो भी मैं करती हूँ, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन्हें पता होना चाहिए अगर किसी को इसकी जानकारी नहीं है तो। टेक्निकल एजुकेशन के लिए भी 5.5 की बजाय जो है अब उनको 6 बहुत बड़ा है, अगर थोड़े कायदे से चलेंगे तो मेरी मदद हो जाएगी। आप सवाल का जवाब कह रही हूँ कि दलितों के उत्थान का जो एक प्रोसेस है वो कंटिन्यूस होता है, उसको स्ट्रेंथन करना होता है। एक दर्शक है हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं, करनाल से, सुनिए आपके पास आएंगे, एक दर्शक है करनाल से फोन लाइन पर जुड़े हैं, अमित खुराना स्वागत है आपका। एक बात ये थी, प्रदर्शन हरियाणा के अंदर, वैसे तो बड़े बड़े नेता ये कहते हैं कि हरियाणा के अंदर भाईचारा बना रहना चाहिए। हेलो जी, बताइए मैडम। वैसे तो बड़े बड़े नेता ये कहते हैं कि हरियाणा के अंदर भाईचारा बना रहना चाहिए। आज हमारे हरियाणा के बच्चे भिवानी के अंदर अगर मॉल के अंदर पिक्चर देखने जाते हैं तो मॉल के अंदर वो सुरक्षित नहीं है, उनकी इतनी बर्बरता से पिटाई हुई है, दुकानदारों की हरियाणा के अंदर, करनाल के अंदर इतनी बर्बरता से पिटाई हुई है। हम ये कहते हैं आम जनता का क्या कसूर है, आम जनता जो पिट रही है, आम जनता जो लूट रही है। अभी मेरे बड़े भाई ये बोल रहे थे दलित नेताओं के बारे में, भी गुजरात के अंदर घोड़ी के ऊपर चढ़ने लगा, पीट दिया उसको,
लेकिन जो हमारे बच्चे बेवजह पीटे जा रहे हैं, बेवजह उनकी पिटाई करी जा रही है, उनके कपड़े तक फाड़ दिए गए वहां पे जी, मतलब उन बच्चों का क्या कसूर है जो अपने घर से पिक्चर देखने गए हैं, उनको उस चलिए जवाब देंगे आप, बड़ी बात देखते रहिए त्रि साहब, देखिए सब इस बंद के आड़ में ही हुआ, फिर किसी ने भी किया। देखिए बिल्कुल सही बात है, जिस घटना का जिक्र अभी जो दर्शक है उन्होंने किया वो भी निंदनीय है, ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। गुजरात की जिस घटना का जिक्र अभी जो दलित नेता कर रहे थे वो भी निंदनीय है, उसका भी इस तरह ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, यही समाज का एक कर्तव्य भी बनता है। लेकिन अब महत्वपूर्ण चीज क्या है कि इस तरह की घटनाएं अगर होती हैं जिम्मेदार कौन है? देखिए हम इस बात से कतई इनकार नहीं कर सकते, जब हम सरकार चुनते हैं, जब हम वोट डालने जाते हैं तो हमारा केवल एक कंसिडरेशन रहती है, हमें अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिले, अच्छी शिक्षा मिले और अच्छी कानून व्यवस्था मिले, अच्छी सुरक्षा मिले। तीन महत्वपूर्ण चीजें हैं जो कंसीडर की जाती हैं, कोई भी आदमी वोट डालने जाता है इनके लिए। अगर आपके द्वारा चुनी हुई सरकार आपको सुरक्षा व्यवस्था नहीं दे सकती, बेहतर कानून व्यवस्था नहीं दे सकती, तो हमें उसको जिम्मेदार मानना पड़ेगा कि वो जिम्मेदार है। आज हमारे साथ जो घट रहा है ये सरकार की कमी है, सरकार ने ऐसे हालात क्यों बनने दिए, सरकार अपनी जिम्मेदारी निभा क्यों नहीं पा रही है, सरकार संजीदगी से काम क्यों नहीं कर रही है, इसलिए सवाल सरकार से पूछना बनता है और हमें पूछना चाहिए। लेकिन आंदोलन हिंसक होता है तो वो भी निंदनीय है, उसकी भी किसी तरह से प्रशंसा करने वालों के साथ विपक्ष खड़ा है, अगर जो लोग सड़कों पर हैं उनके साथ विपक्ष भी खड़ा है, साथ समर्थन दिया जा रहा है, क्या विपक्ष से भी सवाल किए जाए? निश्चित, देखिए मैंने पहले कहा था कि हम कानून के दायरे में संविधान के अधिकार के तहत कोई भी अगर अपनी मांग रखता था हम उसके साथ हैं, हमने कहा समाज के साथ है, समाज के आंदोलन के साथ है, हिंसा के साथ हम कतई नहीं है और हिंसा की तो हमेशा निंदा करते हैं। और मैंने बताया कि आंदोलन हिंसक क्यों होते हैं, आंदोलन हिंसक किए जाते हैं, योजनाबद्ध तरीके से किए जाते हैं, आरक्षण आंदोलन हुआ ना योजनाबद्ध तरीके से किया गया। पानीपत से कुलदीप हमारे साथ जुड़े हैं, कुलदीप राय क्या है आपकी इस विषय पर? जी मैडम बताइए राय क्या। जी मैडम जी, मैडम जी जो अभी अभी मैंने बात कही है कि इनके कपड़े फाड़े जाते हैं, हाँ जी जी आपको सुन पा रहे हैं, बात पूरी कीजिए कुलदीप। कुलदीप आपकी आवाज हमें मिल पा रही है, आप बात पूरी कीजिए थोड़ा जल्दी। चलिए एक बार फिर से जुड़िएगा, बड़ी बात देखते रहिए। रंजिता जी मुझे एक बात बताइए ज्योति, आज पूरे देश के अंदर, चलो हरियाणा में तो शुक्र है कि कोई घटना ऐसी नहीं हुई, पर 7 मौतें हुई हैं। आज बार बार ऐसे आंदोलनों के अंदर जब मौतें होती हैं तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की नहीं होती तो किसकी होती है? आप ऐसे हालात पैदा कर देते हैं, पहले भी इस बात का जिक्र हुआ है कि बार बार ऐसे आंदोलन भड़के, ना तो आप कानून व्यवस्था मेंटेन कर पाते हैं, ना ही आप लोगों को सुरक्षा दे पाते हैं, कभी आप बटालने बुलाते हैं बाहर से, कभी आप कहते हैं कि 4000 पुलिस के ट्रेनी जो आए हुए थे उनको भी हमने डिप्यूट कर दिया और वो भी बीच में घायल होते हैं। तो ये पूरा जो प्रकरण होता है जिससे जान माल का नुकसान होता है, इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी इसकी जो है वो सरकार की बनती है और सरकार इससे पल्ला नहीं झाड़ सकती। ये पॉइंट्स गिनवाकर कि पहले इतना लोन मिलता था, इतना लोन मिलना शुरू हो गया, पहले हम ये करते थे, हम ये करते थे, दिया एक आखिरी दर्शक को सुन लें कि जो आज नहीं हुई है उसकी जिम्मेदारी पूछी जा रही है। एक आखिरी दर्शक को सुन लें, केवल विपिन जी क्या कीमत लगाते हैं जीवन की, आगे आपके पास ये सरकार सिर्फ कीमत जवाब लेंगे। गोपाल है फरीदाबाद से फोन लाइन पर जुड़े हैं, गोपाल राय क्या है आपके? जुड़ चुके हैं, बड़ी बात में अपनी राय दीजिए। हेलो जी, कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, राय दीजिए थोड़ा जल्दी। सर मेरा विपिन जी से सवाल है, पूछे जिसे ये पूछना चाहता हूँ, जैसे ये आगजनी हो रही है या ये हो रहा है, ये क्या अच्छा होता है क्या? अगर तुम आंदोलन कर रहे हो तो अपने अपने तरीके से करो, पर ये विपिन जी अगर कोई जनरल कास्ट पर अगर कोई हमला बोला जाता है तो आप उस टाइम बोलते हो किसी चीज में जबरदस्ती गलत निजाम लेते, पैसे ठगते हो, जब नहीं आते आपको याद, आज तुम्हारे साथ ही होगा, अरे जंग कितने मासूम लोग मारे जा रहे हैं, कितना नुकसान हो रहा है, सरकारी नुकसान हो रहा है, ये चीज आपको नहीं दिख रही? बिल्कुल, समाज और देश का नुकसान है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस सवाल का जवाब देंगे, बड़ी बात देखते रहिए। गुरिंदर पाल सिंह जी, जी जो रिव्यू पिटीशन लगाई गई है उसमें सरकार क्या कुछ दलील दे सकती है, क्या हवाला दिया जा सकता है? सरकार इसमें एक बहुत बड़ा इशू है, वो ये है कि 1995 में इसी प्रोविजन को सेक्शन 18 को चैलेंज किया गया था सुप्रीम, पहले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया था, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एंटीसिपेटरी बेल वाले प्रोविजन को सेट असाइड कर दिया था कि ये जो है इलीगल
बेल है और एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन होना चाहिए। उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आए स्टेट ऑफ एमपी वर्सेज रामकिशन बलोटिया के नाम से, और उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोविजन को अपहेल्ड किया। एक तो ये कि जब दो जजेस का ऑलरेडी फैसला है तो उस फैसले में यदि कोई तब्दीली करना चाहते थे जो इफेक्ट करती उस प्रोविजन को, तो ये तीन जजों को रेफर होना चाहिए था। उसके अलावा जैसे मैंने पहले कहा है कि ये लीगली साउंड प्रिंसिपल पे बेस्ड नहीं है। तीन चार बातें उसमें कही गई हैं, जैसे इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ के बारे में है कि जो क्रिमिनल लॉ हमेशा पिनल सेंस से इंटरप्रेट किया जाता है, तो इसलिए चार पांच ऐसे पॉइंट हैं जिसमें गुंजाइश है। और इन्हीं दो जजेस के फैसले को ऑलरेडी 498 ए के मामले में भी इन्होंने इसी तरह का दिया था, वो अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है वो भी, और उसमें भी सुप्रीम कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन है चीफ जस्टिस के बेंच की, थ्री जजेस बेंच की, कि वी आर हेयर टू इंटरप्रेट द लॉ नॉट टू मेक द लॉ, और यहां पे वो कानून बनाने की कोशिश की है सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट करने की बजाय। ये तो एक एस्पेक्ट है कानूनी तौर पर। एक टिप्पणी में छोटी सी और, ज्योति जी परमिशन दो मैं करना चाहूंगा, ये जो मुझे एक बात नहीं समझ आती, ये एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ और एज ए नागरिक भी मैं कुछ कहना पसंद करूंगा, यहाँ पे कहना चाहूंगा, ये तीन चार मित्र मेरे बैठे हैं पॉलिटिकल पार्टियों को कहते हैं, ये बारी बारी ये क्यों कहते हैं ये समाज का आंदोलन है, ये राजनीतिक आंदोलन नहीं है। ये समाज का आंदोलन क्या होता है? वो कुछ समाज आपसे अलग है, ये कुछ समाज अलग चीज है, ये दलित कोई अलग चीज है और हम अलग हैं, हम इनका समर्थन कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम सभी लोग इस देश के नागरिक हैं, देश के नागरिकों में कुछ बहुत लोग पीछे छूट गए हैं और कई ऐतिहासिक कारणों की वजह से पीछे छूटे हैं और उनके साथ दुर्व्यवहार होता है। अभी उत्तर प्रदेश की असेंबली में एक सवाल के जवाब में थोड़े दिन पहले ही एक आ गया कि पिछले तीन साल में 38 दलितों को घोड़ियों से उतार दिया गया शादी वाले दिन, कि वो घोड़ी पे नहीं चढ़ सकते। तो यदि हमारे समाज ने इस तरह का कुछ व्यवहार था और उसको दूर करने के प्रयत्न किए जाते हैं, आप मेरी बात का बुरा ना माने, यहां बैठे हुए सुबह आपका बच्चा उठता नहीं है, उसको गाली पता किस नाम से देते हैं? गाली देते हैं दलित की जाति के नाम से। आप आपके बच्चे ने साफ नहीं किया, दांत नहीं साफ किया दलित के बच्चे के नाम से। तो इसलिए ये सामाजिक आंदोलन नहीं है, ये एक राजनीतिक आंदोलन है। गुरिंदर जी, सामाजिक आंदोलन इसलिए है कि हम सब एक समाज है, हमारा ही एक हिस्सा किसी वजह से नाराज था और उस हिस्से ने एक आंदोलन किया, इसलिए ये सामाजिक आंदोलन है, समझिए। हम मैंने, आपने मेरे शब्दों को ध्यान से नहीं सुना, मैंने समाज कहा कि कोई नाम नहीं लिया था, सरकार और हमारा ही समाज भी उसी समाज का हिस्सा है, सरकार भी समाज का हिस्सा है। सरकार से ही जवाब आ गया, सरकार को ही सवाल किया जा रहा है। विपिन जी, इस बात का जवाब दीजिए, जब बंद करना था तो बंद ही करना था, फिर बाजार जबरदस्ती बंद करवाने की जरूरत क्या थी? क्या खौफ किए जाने की, पैदा किए जाने की कोशिश है? इसमें मैं पहले उन भाई के सवाल पे आता हूँ कि ये आपका समर्थन के क्या हम आपके में क्यों नहीं आते? पिछला हरियाणा का जाट आरक्षण आंदोलन लीजिएगा, बहुजन समाज ने पूरे तरीके से जाट आरक्षण का समर्थन किया था। यदि उनकी मांगों का एक समाज दूसरे समाज की मांगों का समर्थन करता है, तो यदि आज किसी के ऊपर अत्याचार हो रहा है, वो अपनी बात रखना चाह रहा है और वर्तमान सरकार किसी की भी बात सुनना नहीं चाहती है, उसको सिर्फ एक शब्द का नाम दे दिया जाता है, देशद्रोह। हम अपने अधिकार की बात करें, कोई व्यक्ति अपने अधिकार की बात करे, वो सिर्फ देशद्रोह हो गया है। हमें जीने का भी अधिकार नहीं है किसी को, कोई अपने इज्जत के साथ समानता के साथ रह भी नहीं सकता। संविधान में जो सभी को समानता का अधिकार दिया गया, उस समानता के अधिकार को पूरे तरीके से खत्म किया जा रहा है वर्तमान सरकार के द्वारा। तो जो एक व्यवस्था, जो व्यवस्था 5000 साल से असमानता की थी, जो बच्चे मॉल्स में गए, जो मूवी देखने गए उनके साथ, तो उसकी सुरक्षा की व्यवस्था सरकार की थी, मॉल के पास अपनी खुद की सुरक्षा व्यवस्था होती है, वो सब कहाँ थी? क्या नैतिक जिम्मेदारी, क्या नागरिक होने के नाते कोई जिम्मेदारी, या फिर कानून खुद हाथ में ले लेना, कानून का शासन नहीं है क्या देश में? नैतिकता मॉब पे इलीगल एलिमेंट्स की कहाँ रहती है? और आप केवल एक व्यक्ति को कि हाँ जी वहाँ सुरक्षा कहाँ थी, आप मॉल में पूरे दिन में, पूरे तरीके से जितनी भी हिंसा हुई वो गलत थी, वो दोहराई नहीं जानी चाहिए। हिंसा की पूरा समाज, पूरा बहुजन समाज निंदा करता है, हिंसा का कभी समर्थन नहीं करता। बहुजन समाज बाबा साहब के संविधान से चलता है और संविधान के सभी कानून का, क्या हरियाणा पुलिस कम तैयार थी? पुलिस दौड़ती नजर आई, पुलिस के पीछे प्रदर्शनकारी चलते नजर आए, हमला किया गया, लाठी डंडे पुलिस पर भी बरसाए गए, पुलिस वाले भी खाए, पुलिस मार रही थी, ये नहीं, बात दोनों तरह की तस्वीरें थी, नहीं हमने दिखाई दोनों तरह की तस्वीरें, आपका कहने का एंगल ही एक तरफ है, दूसरी तरफ से नहीं, बिल्कुल नहीं विपिन जी, पूरी तरह से आपका आरोप गलत है, आपने इस बात को दोहराया है, आपने नहीं, आपने गलत कहा है, हम दोनों तस्वीरें हम दिखा रखे हैं, 60 से 70 लोग कैथल में घायल हुए हैं, पुलिस वालों पर पथराव किया गया है, हम बाकायदा तस्वीरें दिखाते हैं, गोलियां लगी हैं, जो लोग मरे हैं वो कौन है, तथ्यों पर आधारित हम बात करते हैं।
है आप जांच करवा लेगी पुलिस, जिनको गोलियां लगी है वो कौन मरे हैं, जांच करवाना हमारा काम नहीं है सर। आप सुनिए, एक ही बात लेके चल रहे, एक पक्ष नहीं, हम तथ्यों पर आधारित बात करते हैं जनाब। जांच करना पुलिस का काम होगा, मीडिया चैनल जांच नहीं करेगा, हम तस्वीरें दिखाएंगे। आप सुनिए, आपको समय दिया करेगी, क्या सरकार क्या पुलिस फेल रही कानून व्यवस्था को कायम रखने में? पूरी तरह से मेंटेन था, लेकिन हम एक किसी भी तरह का जो भी आखिरी जवाब थोड़ा कोई भी आंदोलन है वो एक सभ्य तरीके से किया जाना चाहिए। किसी भी तरह की जो तोड़फोड़ है वो एक सभ्य समाज का कभी हिस्सा नहीं होता। हम नहीं चाहते कि वो जो आंदोलनकारी है वो इस तरह से प्रदर्शन करें, तो एक जो हमारे सभ्य समाज की तस्वीर है उसको बनाए रखना चाहिए। देखिए ये सारी नैतिक बातें हैं, ये कहने सुनने में अच्छी लगती है, जरूरी भी है, लेकिन क्या सरकार फेल हुई? नहीं, सरकार ने जो आंदोलनकारी हैं कभी कभी वो बहकावे में आ जाते हैं, कोची राजनीति की होती है जब भी कोई जवाब नहीं आया कि पुलिस की जिम्मेदारी क्या है, सरकार कहां से जो आएंगे इतनी ऐसी घटना कि कितनी बार हादसे हुआ है। आपने हरियाणा की कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई, मैं सरकार के बारे में बात कर रहा हूँ, चाहे आरक्षण आंदोलन की बात कीजिए, चाहे आप बाबा रामपाल वाले बात कीजिए, चाहे पंचकूला हिंसा घटना की बात कीजिए, आज की घटना ले लीजिए, देखिए आपको साल बने रहने के लिए। तो बड़ी बात में चर्चा ये की मांगे जायज हो सकती है, लेकिन तरीका कितना सही रहा।